असलकम वरमु ला वरक़ा दियर स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल फाइन ब्रेस ऑफ आलमी अल्लाह स्टूडेंट्स आई एम योर इंग्लिश टीचर स्टूडेंट्स टूडे आई विल टीच यू अबाउट हेयर एंड देर ठीक है स्टूडेंट्स आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं हेयर एंड देर इसमें हम देखेंगे कि हेयर कहाँ पर इस्तेमाल होता है और देयर कहाँ पर इस्तेमाल होता है ये कॉमन यूज़ वर्ड है जो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं तो हम देखते हैं कि इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है लेट्स स्टार्ट है ज बॉय यहाँ पे लड़का है स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमारे नजदीक ही लड़का जिसे हम अपने करीब से देखते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे हेयर हेयर इज अ बॉय हेयर आर टू बॉयज यहाँ पे दो लड़के हैं ये लड़के भी हमारे नज़दीक है लेकिन ये कितने हैं दो तो हमने क्या इस्तेमाल किया हेयर आर टू बॉयज़ तो स्टूडेंट्स अगर हम दिखने लिखने में देखेंगे तो हमने पहले लिखा है हेयर इज़ अ बॉय यहाँ पे लड़का है हेयर आर टू बॉयज़ यहाँ पे दो लड़के हैं तो हमें क्या पता चला जो हमने लिखा है ये हेयर इज़ अ बॉय यहाँ पे लड़का है तो उसके बाद एक लड़का जो है वो हमारे नज़दीक है तो वहाँ पे हेयर आया तो हेयर के बाद इज़ इस्तेमाल हुआ हेयर आर टू बॉयज यहाँ पे दो लड़के हैं दो लड़के हैं जो हमारे नज़दीक है और लेकिन दो है एक तो नज़दीक है तो एक तो हेयर आया और दूसरा नज़दीक है तो आर का इस्तेमाल हो गया ऐसे स्टूडेंट्स अब हमें क्या पता चला सिंगुलर होता है एक एक के बाद क्या होता है इस्तेमाल जब एक चीज़ हो कोई भी चीज़ फॉर एग्जाम्पल हेयर इज़ अ बॉय ये एक लड़का है तो हेयर के बाद इस्तेमाल होगा इज दो लड़के हैं हेयर और टू बॉयज़ तो प्लूलर में हेयर के बाद आर इस्तेमाल होता है ऐसे स्टूडेंट्स अब है दियर तो दियर का भी ऐसा ही है कि सिंगुलर और प्लूलर अब हमें देखना है कि जो सिंगुलर है उसके साथ क्या लगता है और जो प्लूलर है उसके साथ क्या लगता है जैसे कि बच्चों आपको याद होता है कि सिंगुलर एक को कहते हैं वाहि जो अकेला हो एक हो और प्लूलर कहते हैं दो या दो से ज़्यादा तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे क्या लगता है वो हम देखेंगे कि कौन से सेंटेंस में हियर दियर के बाद क्या लगेगा सिंगुलर uh, में और पोलोर के बाद दियर के बाद क्या लगेगा ठीक है स्टूडेंट्स दे आर इज़ ए बॉय ये एक लड़का है दियर इज़ ए बॉय दूर है तो दियर का इस्तेमाल होगा वो एक लड़का है अब दो लड़के ये भी दूर है तो क्या है? दियर आर टू बॉयज़ वो दो लड़के हैं ऐसे हमें क्या याद याद रखा कि दियर अगर हो सिंगुलर तो इज इस इस्तेमाल होगा प्लूलर हो तो आ इस्तेमाल होगा ऐसे हेयर में भी है हेयर अगर सिंगुलर हो तो इज इस्तेमाल होगा हेयर अगर प्लूलर हो तो आर इस्तेमाल होगा और स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से याद दिलाती हूँ हेयर किसे कहते हैं जो हमारे नज़दीक हो यहाँ और दियर कहते हैं जो हमसे दूर हो वहाँ ठीक है स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट्स टेक केयर अल्लाह हाफिज़